हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सीएस रितु। आज का वीडियो है एक ऐसे स्टॉक पे जिसको हम अपने फोकस में रख सकते हैं बोनस के लिए, क्योंकि कंपनी में बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट अनाउंस होने वाली है। स्टॉक का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। करंटली 2927 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मार्केट में अगर करेक्शन आती है तो ये स्टॉक के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, ऑल्दो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कंपनी बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट इसी मंथ में अनाउंस करेगी, तो कब हो सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट? 7 अक्टूबर के बाद ही एंटिसिपेटेड है कि रिकॉर्ड डेट आएगी। पास ट्रेंड्स के हिसाब से और मेरे व्यू के हिसाब से क्या हो सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट, ये जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में बोनस इशू का अनाउंसमेंट हुआ था 5 सितंबर की एक्सचेंज फाइलिंग में। कंपनी ने बताया था कंपनी बोनस इशू लेकर आएगी इन द रेशियो ऑफ 1:1। 1 शेयर अगर आप रिलायंस का होल्ड करते होंगे जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज है, तो 1 शेयर कंपनी आपको बोनस में देगी जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज होगी। बोनस के अलावा कंपनी ने फॉरफीचर ऑफ शेयर का भी अनाउंसमेंट किया था इसी एक्सचेंज फाइलिंग में। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया था फॉरफीचर पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर का। फुली पेड अप इक्विटी शेयर का फॉरफीचर नहीं होना है, पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर का फॉरफीचर होना है, और उन शेयर्स का फॉरफीचर होना है जिन शेयर्स पे फर्स्ट और सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल या दोनों कॉल पे नहीं की गई है। और कंपनी ने इस एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि ये फॉरफीचर हो जाएगा अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं ऑन और बिफोर 20 सितंबर 2024। कंपनी ने एक और अपॉर्चुनिटी दी थी अपने पार्टली पेड अप शेयर होल्डर्स को कि अगर वो पेमेंट कर देते हैं इस डेट से पहले, पेमेंट का प्रोसीजर मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, तो अगर वो पेमेंट कर देते हैं तो वो फॉरफीचर नहीं करेगी इन शेयर्स का, और आपके पार्टली पेड अप शेयर जिन पे आप पेमेंट कर देते हैं वो फुली पेड अप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देगी कंपनी। अब इस 20 सितंबर की डेडलाइन को कंपनी ने एक्सटेंड भी किया है, इसी की वजह से मैंने ये एस्टिमेट लगाया है कि बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट 7 अक्टूबर के बाद होगी। कंपनी ने इस पेमेंट को करने का टाइम 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है, और इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में किया है, क्योंकि इस पेमेंट की लास्ट डेट 20 थी, तो 20 सितंबर की एक्सचेंज फाइलिंग में ही कंपनी ने ये डेट बढ़ाई है। अब आप कॉल की पेमेंट कर सकते हैं पार्टली पेड अप शेयर्स पे ऑन और बिफोर 7 अक्टूबर 2024। इसी डेट को बढ़ाने की वजह से मैंने ये एस्टिमेट लगाया है कि बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट 7 अक्टूबर के बाद ही होगी। रिलायंस ने पहले भी बोनस शेयर इशू किए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। 2017 का जो बोनस इशू था कंपनी ने 21 जुलाई को अप्रूव किया था, और इसकी रिकॉर्ड डेट थी 9 सितंबर। 2009 का जो कंपनी का बोनस इशू था वो रिलायंस ने अनाउंस किया था 7 अक्टूबर को, और रिकॉर्ड डेट नवंबर 27 थी। 1997 का जो कंपनी का बोनस था उसका अनाउंसमेंट 13 सितंबर को हुआ था, रिकॉर्ड डेट 29 नवंबर की थी। सो इन पास्ट 3 इंस्टेंसेस से हम देख सकते हैं कि 40 से 50 डेज का गैप रहता है बोनस की अनाउंसमेंट डेट में और रिकॉर्ड डेट में। अगर यही पैटर्न इस बार भी कंटिन्यू हुआ तो रिलायंस के बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट होगी 20 अक्टूबर 2024 के बाद। ऑल्दो कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में पहले ही बता दिया है कि अर्ली दिवाली गिफ्ट है रिलायंस के शेयर होल्डर के लिए, कंपनी ने यहाँ पर बताया है कि बोनस शेयर डिस्पैच हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे ऑन और बिफोर 1 नवंबर 2024। सो मेरे व्यू के हिसाब से 7 से लेकर 20 के बीच में रिलायंस की रिकॉर्ड डेट हो सकती है, तो इस शेयर को आप फोकस में रख सकते हैं बोनस शेयर्स के लिए अगर मार्केट में करेक्शन आता है, जो कि आ सकता है, एंटिसिपेशन है, क्योंकि ईरान इसराइल का वॉर चल रहा है और इसी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। इंडिया विक्स भी 15% तक बढ़ गया है। सो मार्केट में वॉलेटिलिटी आने वाले दिनों में रहने वाली है, इसी वजह से अगर कोई करेक्शन आता है तो अच्छे शेयर्स को हम फोकस कर सकते हैं। रिलायंस भी इनमें से ऐसा ही एक शेयर होगा, बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने रिसर्च जरूर करें, अपने एडवाइजर से भी कंसल्ट करें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।